नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ड्रीम इलेवन के जितने भी यूजर्स हैं, उन सभी यूजर्स के मन की इच्छा रहती है कि वो किसी भी तरीके से ग्रैंड लीग को विन कर सके, और वो लोग ग्रैंड लीग को विन करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद वो लोग ग्रैंड लीग को विन नहीं कर पाते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे बड़ी बात कि आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि केवल एक टीम लगाकर आप लोग है वो ग्रैंड लीग को विन नहीं कर सकते हैं। कम से कम अगर आप लोग एक मैच के लिए 6 टीमें लगाएंगे तब जाकर शायद आप लोग है वो ग्रैंड लीग को विन कर पाएंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक टीम की जगह हम लोग 6 टीमें भी लगा देंगे। देखिए, जो ग्रैंड लीग है वो 6 टीमों पे डिपेंड नहीं करता है कि आप लोग 6 टीमें लगाएंगे तभी आप लोग ग्रैंड लीग को विन करेंगे। ग्रैंड लीग डिपेंड करता है इस चीज पे कि जो 6 टीमें आपने लगाई है या फिर जितनी भी टीमें आपने लगाई है वो बनी कैसी है, क्या वो प्रॉपर टीमें बनी है जो आपको ग्रैंड लीग विन करा सकेगी। अगर प्रॉपर टीमें नहीं बनती है, आपको नहीं बनानी आती है, फिर चाहे आप लोग कितनी ही टीमें लगा लीजिए, आप लोग ग्रैंड लीग को विन नहीं कर सकते हैं। और 90% यूजर्स ऐसे हैं जिनको टीमें बनानी नहीं आती है। आप में से बहुत सारे यूजर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपको बताऊं कि हम कैसे है वो 6 टीमें बनाकर लगा सकते हैं ताकि हम लोग है वो ग्रैंड लीग को विन कर सके। इसीलिए आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेके आया हूं जहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप एक मैच के लिए अपनी प्रॉपर 6 टीमें लगा सकते हैं और ग्रैंड लीग को विन कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा, बिकॉज मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट पे है वो सभी मैचेस की जो ड्रीम इलेवन की टीम है वो आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग है वो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं 6 टीमों के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि ग्रैंड लीग को विन करने के लिए जो 6 टीमें हम लोग बनाते हैं वो कैसी बनानी है, इसके लिए मैं आपको 6 कंडीशन दूंगा, और उन 6 कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग अपनी ग्रैंड लीग की टीमें बनाते हैं, जो 6 टीमें बनाते हैं, फिर देखिए आप लोग पक्का इस आईपीएल में बहुत धमाके करने वाले हैं और ग्रैंड लीग को विन करने वाले हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली जो कंडीशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको ज्यादा कुछ यूनिक तो नहीं करना है, अलग नहीं करना है। जैसी टीम आप लोग बनाते हैं, एक टीम, जैसी आप लोग नॉर्मल टीम बनाते हैं, जैसा आपको लगता है कि ये बैट्समैन बढ़िया है, आपको ज्यादा है वो, आपको बिलीव हो कि ये अच्छा कर सकता है, उसको आप पहली टीम में ले सकते हैं, जो कि मैं आपको नॉर्मल टीम के बारे में बता रहा हूं, जो कि आप है वो किसी भी ग्रैंड लीग के लिए जो एक टीम बनाते हैं वो नॉर्मल टीम आपको बनानी है, पहली नंबर कंडीशन ये रहेगी। अब सेकंड नंबर कंडीशन क्या है, सेकंड नंबर जो कंडीशन है वो ये है कि टॉप ऑर्डर फेल। जी हां, टॉप ऑर्डर फेल। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग इन कंडीशन के अकॉर्डिंग टीमें बनाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब टॉप ऑर्डर फेल के अकॉर्डिंग आप अपनी टीम कैसे बना सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे मैचेस आप लोग देखते होंगे जहां पर जो टॉप ऑर्डर है, जो एक से लेकर ओपनर जोड़ी आती है, या फिर 3 नंबर का बैट्समैन, 4 नंबर का बैट्समैन, ये जो बैट्समैन है ये जल्दी आउट हो जाते हैं, यानी कि 15 रन पर आउट हो जाते हैं, 20 रन पर आउट हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीम कैसे बना सकते हैं। देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीम ऐसे बना सकते हैं कि अगर आपको टॉप ऑर्डर फेल के अकॉर्डिंग अपनी टीम बनानी है, जो कि एक कंडीशन रहेगी हमारी ग्रैंड लीग के लिए, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है कि जो पहली टीम बैटिंग कर रही है उसके जो 3 या 4 बैट्समैन हैं उसको आप कंप्लीटली अपनी टीम से बाहर रखेंगे, फिर चाहे वो रोहित शर्मा हो, फिर चाहे वो विराट कोहली हो, आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा है तो आप उसको बाहर नहीं करेंगे, और रोहित शर्मा पे कोई छाप नहीं लगा है कि वो पक्का ही रन करेगा, इसके लिए जो 3 या 4 नंबर के बैट्समैन है टॉप ऑर्डर के उनको कंप्लीटली आप अपनी टीम से बाहर रखिए। उसके बाद आपके सबसे ज्यादा काम कौन से बैट्समैन आएंगे, या तो मिडिल ऑर्डर का एक बैट्समैन काम आएगा, या
फिर जो ऑलराउंडर्स है उनको आप अपनी टीम में लेंगे, वो आपको बॉलिंग से भी मदद करेंगे और वो आपको बैटिंग से भी मदद करेंगे। बिकॉज जब टॉप ऑर्डर फेल रहता है तो वहां पे मिडल ऑर्डर जो ऑलराउंडर है उनकी यहां पर अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और उस मैच में उनको है वो ज्यादा समय मिलता है, ज्यादा बॉल्स मिलती है बैटिंग करने के लिए। तो अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपनी टीम बनाएंगे जहां पर टॉप ऑर्डर फेल करेंगे, जहां पर टॉप ऑर्डर को आप बाहर रखेंगे और जो मिडिल ऑर्डर है या फिर जो ऑलराउंडर्स है उनको आप अपनी टीम में रखेंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर उसके अकॉर्डिंग मैच चलता है। अब मैच नंबर कंडीशन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए कंडीशन नंबर थर्ड क्या है, कंडीशन नंबर जो थर्ड है वो है टॉप ऑर्डर्स ओनली। जी हाँ, पहले जो दूसरी जो कंडीशन थी वहां पे टॉप ऑर्डर्स फेल थे और यहां पे केवल टॉप ऑर्डर्स है, यानी कि आपने बहुत सारे मैचेस देखे होंगे। मान लीजिए एक 20 ओवर का मैच है, अब उस मैच में क्या होता है कि कई बार जो टीम पहले बैटिंग कर रही होती है उनके 2 या 3 विकेट से गिरते हैं, वो भी कहां पर गिरते हैं, लास्ट में जाके गिरते हैं, यानी कि जो ओपनर्स होते हैं वही 150 रन तक उसको पहुंचा देते हैं 20 ओवर में और तो लास्ट में जाकर उनके 1 या 2 विकेट्स गिरते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है टॉप ऑर्डर्स ओनली में, टॉप ऑर्डर्स ओनली में आपको क्या करना है कि जो पहले टीम बैटिंग कर रही है उसके जो 1, 2 और 3 नंबर तक के बैट्समैन हैं उनको आप अपनी टीम में रखेंगे और जो 4-5 नंबर के हैं उनको आप अपनी टीम में नहीं रखेंगे। बिकॉज जब 3 नंबर तक के बैट्समैन ही बैटिंग करेंगे तो फिर 4 या 5 आपके लिए बिल्कुल ही खराब होंगे, तो अगर आप इनको लेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, मैं तो आपको केवल समझा रहा हूं। तो टॉप ऑर्डर ओनली में आपको केवल टॉप ऑर्डर को रखना है। अब आपको है वो बॉलिंग ऑर्डर को ज्यादा रखना है उस टीम से, जहां पर आप 4 या 5 को ले रहे थे वहां पर आप बॉलिंग ऑर्डर को है वो ज्यादा ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप टॉप ऑर्डर ओनली के लिए अपनी टीम बना सकते हैं। बिकॉज अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो आप मिडिल ऑर्डर से भी लेंगे, आप लोग ऑलराउंडर से भी लेंगे, लेकिन मैंने आपको कंडीशन दे दी टॉप ऑर्डर ओनली। और ऐसे मैच आप देखते भी होंगे जहां पर टॉप ऑर्डर केवल रन्स करके चला जाता है और बीच के जो बैट्समैन है उनको बैटिंग करने का ही मौका नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन को भी आप लोग है वो नोट करके रखेंगे। अब कंडीशन नंबर फोर्थ क्या है, कंडीशन नंबर फोर्थ है लो स्कोरर मैच। जी हां, लो स्कोरर मैच। अब इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे मैचेस आपने देखे होंगे आईपीएल में भी आपको देखने को मिलेंगे कि जो टीम पहले बैटिंग करती है वो 110 या फिर 120 रन पर ऑल आउट हो जाती है या फिर उनके 7 या 8 विकेट्स गिर जाते हैं और पूरी तरीके से वो टीम है वो ध्वस्त हो जाती है 110 या फिर 15 रन पर। अब ये भी मैचेस आपको देखने के मिलेंगे, इसलिए मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं। अब इस कंडीशन में आप अपनी टीम कैसे बनाएंगे, इस कंडीशन में आप अपनी टीम इस तरीके से बनाएंगे कि जो बाद में बैटिंग करेगा उस टीम पे सब कुछ डिपेंड करेगा। अब उस टीम के आपको केवल 3 बैट्समैन लेने हैं क्योंकि 120 रन है, 120 रन है जो कि शुरू के ओपनरशिप कंप्लीट कर जाएंगे या फिर 3रा नंबर तक का बैट्समैन है वो आने के चांसेस बनते हैं, तो वहां के आपको केवल 3 बैट्समैन लेने हैं। तो सेकंड टीम से अगर आप लोग 4 बैट्समैन लेंगे तो शायद 1 बैट्समैन आपका बिल्कुल ही खराब जाएगा। तो इसके लिए जो बॉलर्स लेने हैं वो आपको सेकंड नंबर टीम जो कि फील्डिंग कर रही है सेकंड नंबर पे, यानी कि मेरा मतलब है जो कि टीम पहले बॉलिंग कर रही है वहां से आपको ज्यादा बॉलर्स को लेना है और जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है वहां से आपको केवल 3 बैट्समैन को लेना है, क्योंकि 120 रन का जो टारगेट रहता है, 110 रन का जो टारगेट रहता है वो शुरू के जो बैट्समैन है वही कंप्लीट करके चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है वो अपनी टीम बना सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कंडीशन मैंने आपको बताई है, अगर आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको है वो काफी फायदा हो सकता है। ये 4 कंडीशन हो गई जिनके अकॉर्डिंग आप अपनी 4 टीमें बना सकते हैं। अब कंडीशन नंबर 5th के बारे में बात करते हैं। देखिए जो कंडीशन नंबर 5th है वो है हाई स्कोरर मैच। जी हां, हाई स्कोरर मैच। अब हाई स्कोरर मैच में आपकी कंडीशन क्या रहेगी, आपकी टीम कैसी रहेगी। देखिए हाई स्कोरर मैच में जाहिर सी बात है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो 180 190 रन का स्कोर करेगी तभी वो हाई स्कोरर मैच होगा और हम मैचेस देखते भी हैं, आईपीएल में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पे कंडीशन क्या रहती है, देखिए यहां पे जो कंडीशन रहती है वो ये रहती है कि हाई स्कोरर मैच में जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसके बैट्समैन आपकी टीम में होने चाहिए तभी 180 रन बनेंगे। तो यहां पर जो टीम पहले बैटिंग करे वहां के आपको 4 या 5 बैट्समैन अपनी टीम में ले लेने हैं और इस टीम के जो बॉलर्स है वो भी आपको ज्यादा लेने हैं, क्योंकि जब 180-190 रन का टारगेट कोई भी सेकंड टीम चेस करता है तो 90% चांसेस में वो टीम
पूरी तरीके से फ्लोप रहती है, उनके शुरू में ही विकेट्स गिरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक जो बोझ होता है, बर्डन होता है, वो यहाँ पर है, वो काम करता है, जिसकी वजह से वो फ्लोप रहते हैं। तो पहले जो टीम बैटिंग करे उसके ज्यादा बैट्समैन और उसी के ज्यादा बॉलर्स, क्योंकि सेकंड नंबर पर जो पहले बॉलिंग कर रही है उसके अगर आप लोग बॉलर्स लेंगे तो 180 रन बनेंगे कैसे, 180 रन बनेंगे तो उनको विकेट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए जो कंडीशन मैंने आपको दी है कि पहले बैटिंग करे उसके बैट्समैन, जो पहले बैटिंग करे उसी के बॉलर्स अगर आप लोग ज्यादा चलेंगे और 7 प्लेयर्स अगर उनके ही लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। अब कंडीशन नंबर लास्ट यानी कि कंडीशन नंबर 6 क्या है, कंडीशन नंबर 6 है एवरेज स्कोर, यानी कि एवरेज स्कोर नहीं, आप उसको विकेट की तरफ लेके चल सकते हैं। 6 नंबर जो कंडीशन है वो है विकेट्स के अकॉर्डिंग। विकेट्स के अकॉर्डिंग कैसे, कि कई मैचेस में आप लोग देखते होंगे कि एक मैच में है वो दोनों टीमें ऑल आउट रहती है, 10-10 विकेट्स गिरते हैं, 9-9 विकेट्स गिरते हैं, 8-8 विकेट्स गिरते हैं, कम से कम 8-8 विकेट्स तो गिरते ही हैं। तो आपको इसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है वो आपको अपनी टीम बनानी है। कैसे बनानी है, आपकी टीम में दोनों टीमों से जो बॉलिंग ऑर्डर है वो हाई रहना चाहिए। हाई कैसे रहना चाहिए, आप बॉलिंग से 5 बॉलर्स को ले सकते हैं और 2 या 3 ऑलराउंडर्स को, यहां पर आपको 3 बैटिंग ऑर्डर से लेने पड़ते हैं और 1 विकेट कीपर, यानी कि 4 तो आपके वहां से गए। अब 7 जो बचते हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, 7 जो बचते हैं वो आपके ऐसे होने चाहिए कि आप या तो 4 बॉलर्स ले सकते हैं, 3 ऑलराउंडर्स ले सकते हैं, या फिर आप लोग 5 बॉलर्स ले सकते हैं और 2 ऑलराउंडर्स ले सकते हैं। तो वहां पे आपको फायदा क्या होगा कि 10-18 विकेट्स गिर रहे हैं, 20 विकेट्स गिर रहे हैं, यानी कि पूरा जो मैच है वो बॉलिंग पे ही डिपेंड करेगा। जिनके मैच में, जिनकी टीम में बॉलिंग ऑर्डर ज्यादा होंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन ज्यादा जो बॉलर्स होंगे, वही उस टाइम है वो ग्रैंड लीग को विन करेगा। तो ये मैंने आपको 6 कंडीशन बताई है। देखिए, ये जो मैंने आपको 6 कंडीशन बताई है ये आपको ग्रैंड लीग में बहुत मदद करेगा। ये 6 कंडीशन ही मैच में चलती है। इन 6 कंडीशन में 1 कंडीशन आपको उस मैच में देखने को मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग आपकी टीम होगी, फिर आप देख सकते हैं कि आपको इससे कितना फायदा हो सकता है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग 6 टीमें लगाते हैं तो आपको इससे काफी फायदा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।